में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा मुझे आगे बढ़ना है। The Educator School क्लास के कैंपस दाखिला जारी है। प्ले ग्रुप था नर्सरी के लिए एयर कंडीशनर क्लासरूम्स, बॉयज एंड गर्ल्स अलहदा अलहदा क्लासेस, खूबसूरत बिल्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स अलहदा अलहदा कैंपस, बरलबे राजपा काजी कोट मेन अलीपुर चट्टा रोड क्लास के 03128129683 03000206683। The Punjab College of Sciences for Women, Khiali Campus and Gajar Campus, Gujranwala. Enroll yourself now for free pre-first year online classes commencing from 20th of April 2020. So what are you waiting for? Grab this opportunity by visiting our website www.tpgsc.edu.pk. For Khiali Campus, please contact 03-21-4295-444 03-31-65-62-662. For Gajar Campus, please contact 03-07-1417-452. न्यू जिना इंटरनेशनल स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सर खुद पढ़े लिखे हैं और टीचर हैं, और इनकी ज़ाती दिलचस्पी से ये स्कूल जो है वो आज कामयाब है, और इनकी कामयाबी को देख के हम लोगों ने यहाँ पे बच्चे दाखिल करवाए हैं और एक साल हो गया बच्चों को, लेकिन हम लोग मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हैं। न्यू जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल क्लास के दाखला जारी है। 100% रिजल्ट देने वाला इलाका भर का वाहद इदारा, खूबसूरत बिल्डिंग, बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतजाम, बॉयज एंड गर्ल्स अलहदा अलहदा कैंपस, खुश अखलाक इंतजामिया, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, गुजरांवाला बोर्ड से अलहाक शुदा कुशादा और हवादार क्लासरूम्स, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, जदीद तरीन साइंस लैब, खूबसूरत लाइब्रेरी, इलाका का सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम इदारा जिप्स, पोजीशन होल्डर बच्चों के लिए खसूसी इनामात। न्यू जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गरबी मंडी क्लास के 03007462462055705216। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबाराक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरकानिल हमीद इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम सदकल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा, जो कि रहमत का अशरा था, हमसे रुखसत हुआ जाता है। आह अफसोस इस बात का कि हम सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों को समेटने में कामयाब ना हो सके। और आज रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की इब्तिदा है, जो कि अशरा मग़फ़िरत है। इस अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है,
और आज का जो मेरा गुफ्तगू का मौजू है वो भी इसी के मुतालिक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तोबा की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तोबा कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसी तरह अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, एक जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों मेरी बारगाह के अंदर तोबा करो तो ऐसी तोबा करो कि पक्की और सच्ची तोबा हो और इस तरीके की तोबा हो कि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो नसीहत बन जाए। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, ऐ मेरे बंदे मेरी बारगाह में तोबा करके देख, मैं तोबा कबूल करने वाला बख्शने वाला मेहरबान हूँ। तो नाज़रीन ये अशरा मगफिरत है, इस अशरे के अंदर कोशिश करें कि अपनी बख्शिश का सामान ज़रूर कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को रो रो कर बनाएं, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर कुरान की तिलावत करके नफली इबादत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश करें और अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने की कोशिश करें। एक रिवायत के अंदर है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने ये नया मामूल देखा, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह पहले तो आप दुआ किया करते थे, हम आमीन कहा करते थे, आज कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिसने दुआ की है और आपने आमीन कहा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने ये दुआ मांगी कि मन अदरा का रमदाना, जिसने रमज़ान को पाया और उस रमज़ानुल मुबारक में अपनी बख्शिश ना करवा सका, उसकी नाक खाक लूद हो, वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो जब जिब्रील अमीन ने यह दुआ की तो मैंने कहा आमीन। इसी तरह जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका वह उम्मती बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए कि मन अदरा का आबा वही ही कि जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया तो वह उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। तो ऐसे शख्स के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाकत है, मैंने कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर आप तशरीफ़ फरमा हुए तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका वो उम्मती हलाक हो जाए कि जिसके पास आपका ज़िक्र हुआ और उसने आप पर दुरूद ना पढ़ा, मैंने कहा आमीन। तो नाज़रीन अब इस हदीस के पहले जुज़ को देखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स के लिए दुआए ज़रर की, उस शख्स के लिए कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाया और उसमें अपनी बख्शिश ना करवा सका, उसके लिए जिब्रील अमीन ने हलाकत की दवा की और मेरे आका ने उस पर आमीन कहा। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा रहीम है, करीम है, तौबा कबूल करने वाला, बख्शने वाला है। आप सिर्फ़ उसकी बारगाह में झुक कर देखिए। अल्लाहु अकबर। तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर है, जिल्द एक सफ़ा नंबर 146 पर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद इस रिवायत के रावी हैं, इस हदीस को रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि शहनशाह मदीना करार कल्ब सीना राहत कल्ब सीना ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान शरीफ की हर शब आसमानों पर सुबह सादिक तक एक मुनादी निदा देता है। फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की हर शब सुबह सादिक के वक़्त, ये वो वक्त है कि जब सहरी करते हैं, जब हर मुसलमान उठा होता है अल्लाह की रज़ा के लिए सहरी कर रहा होता है, उस वक्त में मेरे आका ने फरमाया कि एक मुनादी निदा दे रहा होता है और कह रहा होता है, ऐ अच्छाई मांगने वाले, अपनी अच्छाई को मुकम्मल कर और जन्नत हासिल कर ले, और ऐ बुराई करने वाले, ऐ शरीर, शर से बाज आ जा और इबरत हासिल कर। फिर साथ ही फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है
है कोई मग़फ़िरत का तालिब कि उसकी तलब को पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा को कबूल किया जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ को कबूल किया जाए, है कोई साइल के उसका सवाल पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में, नाज़रीन सुनिएगा, अल्लाह तबारक व ताला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक़्त 60,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है, और ईद के दिन सारे महीने में जितने लोगों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलता है उसके बराबर एक दिन में अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम से आज़ादी का परवाना सना देता है। तो नाज़रीन दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उन गुनाहगार लोगों की जो है वो जिनकी बख्शिश हो जाती है, अल्लाह जिनकी बख्शिश फरमा देता है, अल्लाह हम जैसे गुनाहगार लोगों को भी उनकी लिस्ट के अंदर हमारा नाम शामिल फरमा ले। इसी तरह एक रिवायत के अंदर मिलता है कंजुल उमाल जिल्द 8 सफ़ा नंबर 219 हदीस नंबर 23,706 के अंदर ये मौजूद है, अल्लाह तबारक व ताला की इनायतों का तज़किरा, रहमतों का तज़किरा, बख्शिशों का तज़किरा चल रहा है। तो करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना 10,00,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, और जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने आज़ाद किए होते हैं उनके मजमूए के बराबर उस एक रात में अल्लाह तबारक व ताला गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना सुना देता है। इसी तरह एक रिवायत के अंदर मिलता है कंजुल उमाल ही की यह हदीस है, जिल्द 8 सफ़ा नंबर 223 पर है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे जुमा और रोज़े जुमा की हर हर घड़ी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन 10,00,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। तो नाज़रीन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इनायत हम लोगों पर इतनी है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम हम लोगों पर इस कदर है, तो हमें भी चाहिए, हमारा भी ये हक बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुक कर, सजदा रेज होकर, तिलावत कुरान पाक करके, नमाज अदा करके, तरावीह की पाबंदी करके अपने आप को जो है वो अल्लाह तबारक व ताला की याद में मगन रख के रब को मनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना याद रख कर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमा।